हे गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है फ्लैशर विद इनबिल्ट बजर के ऊपर। सो गाइस, ये ऐसी वैसी कंपनी का नहीं, ये यूएनओ मिंडा का है। और ख़ास बात ये है कि ये टू पिन फ्लैशर है, मतलब टू पिन जैसे आपकी बाइक में स्टोक फ्लैशर होता है वैसा ही, लेकिन इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर बजर भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर यूएनओ मिंडा की बैचिंग है। और यहाँ पर जो है आपको इसका मैं दिखा देता हूँ, फ्लैशर विद बजर, और यहाँ पे एमआरपी आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, 138 इसका जो है एमआरपी। अगर आप लोकल मार्केट से इसको परचेस करोगे तो ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा, ऑनलाइन ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है थोड़ा डिलीवरी वगैरह के साथ। तो चलिए अभी इसको खोल के देखते हैं। सो गाइस, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो पैकिंग में है, तो इसको भी खोलते हैं। सुबह ये टू पिन ही है, लेकिन इसमें जो है साथ में बजर भी है यहाँ पे। तो चलिए गाइज, इसको अभी जो है इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक में। बाइक में जो है लोकेशन अलग अलग हो सकती है। बात करूँ अगर स्प्लेंडर की, तो यहाँ पे ही इसका जो है बजर का प्लेसमेंट रहता है, इसके पीछे बजर का प्लेसमेंट रहता है। सो गाइज, आप देख सकते हो ये इसका जो है जो सेल्फ का रिले होता है वो है, और इसके जस्ट पीछे आप छोटा सा देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको फ्लैशर दिखाई देगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो गाइस, इसके लिए मैं जो है पहले इसको खोल लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं इसको जो एक्सेस कर पाऊँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने जो है इसका फ्लैशर रिले को खोल लिया है। तो गाइस, ये इसका छोटा सा फ्लैशर है, तो इसको जो है जस्ट मैं जो है ऐसे खींच लेता हूँ तो ये खुल जाएगा। सो नई बाइक में ये जो है कुछ इस तरह का है, काफ़ी छोटा है, और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से है। तो गाइस, इस फ्लैशर को हम चेंज कर देंगे इस फ्लैशर से। तो चलिए अभी इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस, ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। सो गाइस, एकदम ये जो है बिल्कुल फिट आ चुका है, आप देख सकते हो। अभी गाइस, जो इसकी सेल्फ की रिले है उसको मैं वापस से लगा देता हूँ। पड़ी तो चलिए गाइस, अभी इसको हमने जो है इंस्टॉल कर दिया, अभी इसको जो है चला के देखते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इग्निशन ऑन है, तो यहाँ पर अभी मैं इसका इंडिकेटर को ऑन करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि जो जेन्युइन चीज़ होती है उसका साउंड जो वो अलग से सुनाई देता है। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। सो गाइस, जो हम आफ्टर मार्केट जो छोटे छोटे जो मिलते हैं बजर, उसका जो आवाज़ है वो एकदम जो है बेकार सा लगता है, लेकिन ये जेन्युइन प्रोडक्ट है तो इसका आवाज़ भी जो है एकदम सुनने को अच्छा लगता है। सो एक बार फिर से इसको जो है मैं आपको चेक करवाता हूँ। सो गाइस, एक बार इस दूसरा वाला इंडिकेटर से भी चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।